वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे डॉक्टर नाइक के ऊपर, अनिरुद्ध आचार्य के ऊपर, उनको रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो के माध्यम से वीडियो में क्या है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है, आपको भी दिखा सकता हूँ। यदि और आपको बात करनी है भगवान से तो मैं बात भी करा सकता हूँ आपकी। बात करो। तो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों, पंडित अनिरुद्ध चारिया से एक लड़का सवाल करता है कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है? तो पंडित जी का कहना था कि आप भगवान को देख भी सकते हैं और उनके साथ बात भी कर सकते हैं। तो आइए पहले इस क्लिप को देखते हैं और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक और मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जवाब भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी, आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है, आपको भी दिखा सकता हूँ। हाँ वो दिखाओ, यही पूछना था। आपको दिखाऊँ? हाँ ठीक है। भी गौरी गोपाल भगवान जी को देखा, आपने भी देखा, बिहारी जी को आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो आप बिहारी जी का दर्शन किए कि नहीं बेटा? दूसरा क्वेश्चन ये है, पहले बताओ बिहारी जी का दर्शन किया कि नहीं आप? हाँ कर लिया। तो फिर वो कौन है? भगवान। फिर आपने क्यों कहा कि आपने देखा? आपने भी तो देखा भगवान को। हाँ हाँ। यदि और आपको बात करनी है भगवान से तो मैं बात भी करा सकता हूँ आपकी। बात करो। कराऊँगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा आपको करना पड़ेगा। ओके। मैंने जयपुर की कक्षा में ये पूरा प्रोसेस बताया था कि आप भगवान से बात करने के इच्छुक हैं तो आपको भगवान बात भी करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, रात्रि को सोने से पहले भगवान से रोज कहना है, हे श्री कृष्ण। बोलो श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, शरणम मम, शरणम मम, हे प्रभु, हे प्रभु, आज मुझे, आज मुझे सपने में, सपने में अपना दर्शन दीजिए, अपना दर्शन दीजिए। रोज भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना, हे प्रभु आज मुझे आपका दर्शन करना है, आज मुझे आपसे बात करनी है। रोज भगवान को कह करके सोइए, एक न एक दिन सपने में बहुत जल्दी आकर के ठाकुर जी आपसे बात भी करेंगे। जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है तो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं। भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा है कि उसकी उम्र 49 ईयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर जर्रे जर्रे में मौजूद है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीजें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी। आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहां मौजूद है, सब जगह मौजूद है और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या? नहीं जी। पहला चीज, हम ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारे जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है, ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स, अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है, जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में, क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है? ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या? नहीं, जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस जिंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहि सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में, मूसा अलैहि सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरख्वास्त करते कि मैं आपको देख सकता हूं, मैं आप में मानता हूं कि आपको देख सकता हूं, तो अल्लाह ताला फरमाते कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को मैं एक झलक दिखा, मेरे
पूरे अपने आप को नहीं दिखाऊंगा, एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब एक झलक दिखाते उस पहाड़ को, उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देख के, ईश्वर को देख के, ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली जिंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहेंगे। इस दिन, इस दुनिया में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज, मौजूद होने के लिए दिखना जरूरी नहीं है। और मैं मिसाल पेश करूंगा, एक मिसाल पेश करूंगा कि एक शख्स आके एक नेक इंसान से पूछते हैं कि ये तलवार है और मैं तलवार से आपका हमला करूंगा, मैं इस तलवार से आप पर हमला करूंगा, आपका अगर ईश्वर है तो आपको बचा ले। पहले दरख्वास्त होती वो आदमी से कि अगर ईश्वर है तो आप हमला करो और मुझे बचाओ। तो ये धार्मिक इंसान कहते हैं कि आप मुझ पे हमला करो और अगर ईश्वर है तो मुझे बचाएंगे। तो इससे ये जाहिर होता है इस मिसाल से कि जरूरी नहीं अगर मौजूद है तो वाकई बचाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जाहिर करना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही नहीं। क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। तो ये एक तरीका है कि जाहिर होना, देखना जरूरी नहीं मानने के लिए कि वो चीज मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान खुदा को देख नहीं सकते इस जिंदगी में। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे। अल्लाह आम इंसान से बात कर सकता है क्या? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा से अल्लाह ने खुद बात की थी, क्या ये बात सही है? जबकि कादियानी इससे ये साबित करते हैं कि अल्लाह नबी और रसूल के अलावा लोगों से भी बात कर सकता है। फौजिया साहिबा लंदन से, अल्लाह को सब चीज़ की कुदरत है, अल्लाह सबसे बात कर सकता है लेकिन करता नहीं है। अल्लाह बात करता है मूसा अलैहिस्सलाम से, बराह रास्त अल्लाह हम कलाम हुआ। बाकी पैगम्बरों से या अहलुल्ला से जो अल्लाह ने बात की है, बराह रास्त नहीं की बल्कि इल्हाम के ज़रिए। जैसे कि हज़रत मूसा की वालदा के बारे में आता है, वह अवहैना इला उम्मी मूसा, हमने मूसा की माँ को वही की। वही इशारे को कहते हैं, उनके दिल में इल्हाम की अल्लाह ने। तो ये इल्हाम हो सकता है लेकिन जो है अल्लाह बराह रास्त हम कलाम नहीं होता। मा कान अली बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिला रसूला। कुरान कह रहा है कि किसी बशर में ये मजाल नहीं है कि अल्लाह से बराह रास्त हम कलाम, इल्ला ये कि अल्लाह वही करते हैं, यानी दिल में इल्का कर देते हैं उसके। औ मिन वराइ हिजाब, ये अल्लाह पर्दे के पीछे से हम कलाम होते हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह हम कलाम हुए, बराह रास्त हुए लेकिन पर्दे के पीछे से। औ युरसिला रसूलन, ये अल्लाह किसी पैगंबर को भेज देते हैं, जैसे जिब्रील, यानी रसूल को भेजते हैं यानी फरिश्ते को, जैसे जिब्रील को भेजा। तो यानी इल्हाम भी हो सकता है और पैगंबरों पर जो इल्का होता है उसको वही कहा जाता है, और अहलुल्ला पर जो पैगंबरों के अलावा पर जो इल्हाम होता है उसको इल्हाम कहते हैं, उसको वही से ताबीर नहीं किया जाता। तो दोनों किस्म के इल्हाम में फ़र्क ये है कि पैगंबर का जो इल्हाम है वो कतई और यकीनी है, वो 100% इसकी अलामत है कि अल्लाह ही की तरफ से, इसमें शैतानी तसर्रुफ और शैतानी दखल नहीं है। लिहाजा उस पर ईमान भी वाजिब है और उसके खिलाफ जाने की भी इजाज़त नहीं है। लेकिन अहलुल्ला पर जो इल्हाम होता है वो कतई और यकीनी नहीं होता। उसमें वलीउल्लाह का ये ख्याल होता है कि शायद ही अल्लाह की तरफ से इल्हाम है, लेकिन इसमें इस बात का ख़तरा भी होता है कि शैतान का तसर्रुफ भी हो सकता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को जो इल्हाम हुआ उसमें फ़ी नफसी ही इसका इम्कान था कि अल्लाह की तरफ से भी हो सकता है, शैतान की तरफ से हो। लेकिन जब कुरान ने बयान कर दिया कि हमने मूसा की माँ पे इल्हाम किया था, तो कुरान के बयान से ये बात साबित हो गई कि वो शैतानी तसर्रुफ नहीं था, वो वाकई 100% अल्लाह की तरफ से इल्हाम था। तो वो इल्हाम हो सकता है।
लेकिन कादियानी गड़बड़ ये करते हैं कि ये जो है ना इल्हामात पर इन्होंने दीन की बुनियाद रखी हुई है। अब ये बात साबित कर देते हैं कि भाई देखो कुरान और सुन्नत से साबित है कि अल्लाह नबी के अलावा भी इल्हाम होता है, यानी अल्लाह की तरफ से, तो वो फलां पे भी इल्हाम हुआ, फलां पे इल्हाम से ये रिपोर्ट आई, तो उठपटांग मेरे कादियानियों से वास्ते पड़े हैं, वो हर बातिल चीज को इल्हामों से साबित कर रहे होते हैं। तो खूब समझ लें, वलीउल्लाह पे जब कोई इल्हाम होता है तो वह इल्हाम दूसरे के हक में हुज्जत नहीं होता, वो कतई नस की तरह नहीं होता, उसमें गलती का इम्कान भी होता है, उससे शरीयत का कोई मसला साबित नहीं हो सकता। इसलिए उस इल्हाम के बारे में शरी हुक्म ये है कि अगर वो कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुताबिक है तो उसको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर कुरान और सुन्नत से वो साबित नहीं है या उसके खिलाफ है तो फिर उस इल्हाम से शरी मसला बिल्कुल भी साबित नहीं होगा। शरई मसाइल के लिए इल्हामात नहीं है बल्कि कुरान और सुन्नत, इजमा और कयास, ये चार शरी दलाइल हैं। इल्हाम से कोई शरी मसला कभी भी साबित नहीं हो सकता क्योंकि इल्हाम में गलती का इम्कान होता है। तो इल्हाम हो सकता है वलीउल्लाह को, लेकिन वो कतई और यकीनी चीज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप लोग की पसंद आई हो तो एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें मतलब अल्लाह ताला के बारे में, भगवान के बारे में, तो हमको भी समझ में आएगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो, तो आप लोग के वीडियो से भी आप लोग के भी कुछ नॉलेज होगी, कुछ समझदारी होगी, समझ होगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा वीडियो, बहुत प्यारा लगा। आप लोग भी देखिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मिलती रहेगी। सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।